السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. शेख, ये सुन्नत नमाजों को जगह बदल कर पढ़ना कैसा है शेख? कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सुन्नत नमाज जो अपने जगह बदल के पढ़ते हैं तो कयामत के दिन वो गवाही देगी वो जगह, ऐसा कुछ है शेख? देखिए, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है कि ला तूसलो सलातुन बे सलातिन, मुख्तलिफ अल्फाज में रिवायत है कि एक जी नमाज को दूसरी नमाज से ना मिलाया जाए। लेकिन बाज रिवायतों में इसकी वजाहत आ गई है कि ये मसला जो है फर्ज नमाज में पेश आया था, बल्कि जुमा की नमाज में पेश आया था कि जब आप फर्ज नमाज पढ़ें, अब आप नफली नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है फर्ज और नफली नमाज के दरमियान गैप करेंगे, दोनों को जी एक साथ में नहीं मिलाएंगे, गैप करेंगे। हदीस के अंदर ही अल्फाज आ गए हैं कि या तो आप गुफ्तगू करके गैप करेंगे, ततकल्लम औ तखरुज, ये दो तरह के अल्फाज हैं हदीस के अंदर कि आपने जब फर्ज नमाज से सलाम फेरा, अब फौरन आप नफिल नमाज उसी जगह पर ना शुरू करें, या तो आप गुफ्तगू कर लें कोई कलाम, कलाम से मुराद नमाज से बाहर की कोई चीज, अब वो जी कलाम गुफ्तगू किसी आदमी के साथ भी हो सकती है और वो जिक्रो अजकार की शक्ल में भी वो कलाम हो सकता है। आप बैठ करके थोड़ी देर जिक्रो अजकार किए तो ये जो जिक्रो अजकार है नमाज से बाहर की चीज है, तो आपने गोया कि कलाम कर लिया, अब फासला हो गया, अब उसी जगह पर नमाज पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि उस जगह से आप मुंतकिल हो जाएं, ततकल्लम औ तखरुज, आप वहां से उठ करके दूसरी जगह जगह बदल करके फिर नफिल नमाज पढ़ें। तो ये असलन फर्ज और नफिल नमाज के दरमियान गैप करने के सिलसिले में ये हदीसें वारिद हुई हैं। इनका कई एक फायदा है। एक फायदा तो ये है कि नफिल और फर्ज के दरमियान तमीज किया जा सके, ऐसा ना हो कि उन दोनों के दरमियान तमीज मिट जाए। और इसकी नजीर आपको दूसरे मसाइल में भी मिलेगी, जैसे रमजान के सिलसिले में आपने शायद सुना हो कि जब ईद से एक दिन पहले रोजा ना रखो, नफली रोजा। क्यों जी ऐसा कहा गया? ऐसा इसलिए कि नफिल और फर्ज में तमीज बरकरार रहे, ऐसा ना हो कि नफिल और फर्ज को मिला दिया जाए। और बहुत सारे अबवाब में इसके मसाइल, इसकी नजीर मिलती है कि फर्ज और नफिल में तमीज बरकरार रखने के लिए दोनों के दरमियान गैप किया जाता है। तो एक हिकमत तो यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि फर्ज और नफिल को एक बना लिया जाए। दूसरी हिकमत इसकी यह है कि हम जहां पर नमाज पढ़ते हैं वो जगह हमारे लिए कयामत के दिन गवाही देगी। सूरह जिलजाल आप पढ़िए, सूरह जिलजाल की वो आयत पढ़िए शेख, जी यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका वहालहा। तो ये जमीन, ये चीजें, ये हमारे लिए गवाही देंगी। अगर हमने यहां पर गलत काम किया है तो ये गवाही भी दी जाएगी, अगर हमने कोई नेक काम किया है तो वो जगह गवाही देगी कि इसने यहां नमाज पढ़ा था, इसने यहां कुरान की तिलावत की थी। तो आप जितनी जगहों पर इबादत करेंगे वो जगह आपके लिए गवाही देगी। तो जब आप ज्यादा जगहों पर नमाज पढ़ेंगे तो आपके लिए गवाहियां ज्यादा जगहें देंगी। तो एक हिकमत और एक मकसद ये भी है। अब अगर ये जो दूसरी हिकमत है इसके पेशे नजर कोई आदमी नफिल और दूसरी नफिल के दरमियान भी गैप कर रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, उसको वो कर सकता है और ये फायदा उसको मिलेगा। लेकिन नफिल और फर्ज के दरमियान गैप करने की जो हिकमत है वो हिकमत नफिल और नफिल के दरमियान गैप करने में नहीं है। तो लिहाजा हदीस के अंदर जो असल हुक्म आया है वो फर्ज और नफिल के दरमियान गैप करने का है। लेकिन अगर आप नफिल और दूसरी नफिल के दरमियान गैप करते हैं तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपके सजदे, आपकी नमाजें ज्यादा जगहों पर होंगी और वो ज्यादा जगहें आपके लिए गवाही देंगी।